एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टाकेमिची के साथ एक और बंदा होता है और इन दोनों को एक साथ स्ट्राइक मिला होता है। ये बंदा बोलता है कि हम दोनों ने तो एक साथ ही किया, और तब टाकेमिची सोचने लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है। एक और लड़की को हम देखते हैं जो बोलती है ये कमाल का था। इसके बाद टाकेमिची सोचता है क्या मैं इसे जानता हूँ, शायद मैंने इसको कहीं पे देखा है। तब ये बंदा बोलता है तुम हानागे की टाकेमिची हो ना, क्या कैप्टन बनने के बाद तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा? मैं सेकंड डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ, हक्काई शिवा। इसके बाद टाकेमिची बोलता है यानी कि तुम टोमान के सेकंड डिवीजन के वाइस कैप्टन हो। और तभी ये लड़की हक्काई के पास आके हक्काई को बुलाती है। हक्काई बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, ये बॉलिंग लेन अभी भी मुझे बुला रही है। लड़की बोलती है कि ये बॉलिंग लेन तुम्हें अभी भी बुला रही है। और हक्काई बोलता है कि जब तक मैं 10-12 गेम नहीं खेल लेता तब तक मुझे लगता ही नहीं कि मैंने कोई गेम खेला है। इसके बाद ये लड़की बोलती है कि अगर तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है तो फिर तुम इसको किसी और जगह पे क्यों नहीं यूज करते? और हक्काई बोलता है कि अब यहाँ पे हम आ चुके हैं तो फिर करके ही जाएंगे। इसके बाद टाकेमिची को याद आता है कि इसने इसको फ्यूचर में देखा था जहाँ पे ये ब्लैक ड्रैगन गैंग का पुराना मेंबर हुआ करता था। सबको याद आ गया लेकिन टाकेमिची को नहीं। टाकेमिची तेरा दिमाग स्लो है क्या? इसके बाद टाकेमिची धीरे से बोलता है ये तो ब्लैक ड्रैगन का बंदा है। और ये यानी कि हक्काई बोलता है क्या तुमने कुछ कहा? टाकेमिची नहीं बोलता है। इसके बाद हक्काई बोलता है कि मेरे कैप्टन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मुझे बताया है। इसके बाद टाकेमिची सोचने लगता है कि ब्लैक ड्रैगन का मेंबर टोमान के अंदर क्या कर रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। इसके बाद टाकेमिची एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे काजुटोरा बताता है कि हक्काई शिवा 11वां लीडर है ब्लैक ड्रैगन गैंग का, और उसने पहले वाले लीडर को खत्म कर दिया पैसों के लिए। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पर टाकेमिची सोचता है कि मुझे काजुटोरा ने यही बताया था। तब हीना बोलती है कि वो लंबा और पतला है। इसके बाद जलन होती है टाकेमिची को और वो हीना का नाम जोरों से पुकारता है। हीना बोलती है कि क्या बात है। इसके बाद हम देखते हैं हक्काई को जो अपना बॉलिंग बॉल फेंकता है और स्ट्राइक करता है, जिसके बाद वो देखता है एक बार के लिए टाकेमिची को, जिससे टाकेमिची काफी ज्यादा जल जाता है और वो अपना बॉलिंग बॉल लेके दे मारता है और इस बार इसको स्ट्राइक मिल जाता है। यानी कि टाकेमिची इस बार अच्छा कर रहा है, अच्छा खेल रहा है। इसके बाद हक्काई फिर से बॉलिंग करता है और ये फिर से स्ट्राइक ले लेता है। इसके बाद टाकेमिची भी फिर से बॉलिंग करता है और टाकेमिची को भी स्ट्राइक मिलता है, लेकिन टाकेमिची काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा होता है। इसके बाद हम हीना और उस लड़की को देखते हैं जहाँ पे ये लड़की हीना को एक चॉकलेट देती है। हीना उस चॉकलेट को लेकर इसको शुक्रिया अदा करती है और अपने पॉकेट में से यानी कि जो थैला होता है खाना का उसमें से एक स्टिक होता है उसको देती है, और ये भी उसको ले लेती है, खा लेती है और शुक्रिया अदा करती है। यानी कि इनके अंदर अच्छी दोस्ती हो चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं हक्काई ने एक और स्ट्राइक किया होता है और टाकेमिची बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और तभी हिनाटा बोलती है कि हक्काई बहुत ही जोरों से मार रहा है पिन्स को, जबकि टाकेमिची बहुत स्मूथली मारता है। और तब ये लड़की बोलती है कि हाँ हक्काई का जो बॉल है वो काफी ज्यादा हैवी है, बहुत ही ज्यादा भारी है। और हम देखते हैं कि उसके हाथों में जो बॉल होता है उस पर 18 लिखा होता है, यानी कि 18 पाउंड का वो बॉल है जो कि काफी भारी होता है और इसको प्रो लेवल वाले यूज करते हैं। ये बात टाकेमिची खुद ही बोलता है। इसके बाद हक्काई लगातार 2 बार स्ट्राइक करता है और टाकेमिची भी पीछे नहीं हटता, वो भी एक बार स्ट्राइक करता है। लेकिन दूसरी बार जब वो स्ट्राइक करने के लिए जाता है तब सिर्फ एक ही पिन जाता है, बाकी सारे पिन गिर जाते हैं, यानी कि टाकेमिची यहाँ पे हार चुका है। इसके बाद हम देखते हैं टाकेमिची एक पंचिंग मशीन के ऊपर जोरदार पंच मारता है, लेकिन इसको सिर्फ 50 पॉइंट मिलते हैं जो कि एवरेज होता है। इसके बाद हक्काई उसी मशीन के ऊपर एक जोरदार पंच जड़ता है और इसको पूरे 100 पॉइंट मिलते हैं, यानी कि हक्काई सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है वाह काफी कमाल की पावर है। आगे हम देखते हैं ये जो मोल को पीटने वाला गेम होता है ना उसको खेल रहा होता है टाकेमिची, और टाकेमिची मार रहा होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा स्लो होता है। इसके बाद हम देखते हैं हक्काई को जो मार रहा होता है और बहुत ही ज्यादा तेज होता है, यानी कि यहाँ पे भी टाकेमिची फिर से हार जाता है। इसके बाद ये 8 पूल खेलने के लिए जाते हैं जहाँ पे पहला शॉट खुद ही मारता है टाकेमिची, लेकिन उसका शॉट लगता ही नहीं है ठीक से और पूल का जो बॉल होता है उसको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम देखते हैं हक्काई को जो एकदम स्टाइल से 8 पूल बॉल को मारता है और इसका बॉल गड्ढे के अंदर चला जाता है, यानी कि ये फिर से जीत गया। टाकेमिची बोलता है ये तो कमाल का है और हक्काई बोलता है कि चलो पिंग पोंग गेम खेलते हैं, और तभी ये लड़की बोलती है कि यहाँ पे कोई पिंग पोंग बॉल नहीं है, चलो चलते हैं यहाँ से। इसके बाद हक्काई बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन इसका रिएक्शन देख के मुझे काफी मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं हक्काई ने गले के ऊपर हाथ रखा था टाकेमिची की और बोलता है कि आज से हम दोनों भाई है, चलो मेरे घर चलते हैं, और टाकेमिची जबरदस्ती हाँ बोलता है। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि ये हक्काई शिवा है और ये पागल मेरा दोस्त बनना चाहता है। इसके बाद ये काली लड़की बोलती है अगर तुम दोनों भाई हो तो फिर मैं तुम दोनों की बड़ी बहन हूँ, और टाकेमिची बोलता है क्या तुम दोनों भाई बहन
बहन हो, और ये लड़की बोलती है कि जाओ मेरे लिए सोडा लाओ, और इस लड़की का नाम होता है युजुआ शिवा। इसके बाद हिनाटा बोलती है कि तुम दोनों की आंखें भी मिलती है। इसके बाद युजुआ बोलती है तुम कमजोर फाइटर हो, तुम तोमान के कैप्टन कैसे बन गए, और टाकेमिची बोलता है कि ये जगह मुझे दी गई थी। इसके बाद युजुआ बोलती है कि हक्का तुमसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो तुम्हें पीछे छोड़ सकता है, लेकिन इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। और हिना बोलती है कि बिल्कुल सही, वो काफी ज्यादा ताकतवर लगता है। इसके बाद टाकेमिची जल जाता है और बोलता है हिना। इसके बाद हम देखते हैं हक्काई को जो एकदम से फ्रीज हो जाता है, और हम देखते हैं कि सब लोग चुप हो जाते हैं। टाकेमिची सोचने लगता है कि सब लोग चुप क्यों हो गए। तभी युजुआ बोलती कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और उसकी पीठ पे टैप करती है और वो फिर से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और हक्काई बोलता है कि लीडर बनने के बारे में सोचने से ही मेरा दिमाग चकराता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है और मैं आजाद रहना चाहता हूँ। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि ये बंदा काफी ज्यादा अजीब है। इसके बाद हिना बोलती है शिवा तुम तो काफी ज्यादा कूल हो, और टाकेमिची जल जाता है और बोलता है हिना, और तब हम देखते हैं फिर से हक्काई अटक जाता है। और इस बार टाकेमिची और हिनाटा उस चीज को नोटिस कर लेते हैं। तभी युजुआ बोलती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं हिना, मेरा भाई काफी ज्यादा अजीब है, जब भी मुझे छोड़ के कोई और लड़की उससे बातें करती है तब वो अटक जाता है। इसके बाद युजुआ इसको टैप करती है और ये फिर से रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। युजुआ बोलती है कि इससे परेशान मत होना, और हिना बोलती है ओके। और तब हम देखते हैं टाकेमिची को जो सोचता है कि ये सच में बहुत बड़ा बेवकूफ है, और सोचता है कि क्या सच में ये वही हक्काई है जिसके बारे में मुझे काजुटोरो ने बताया था, क्योंकि काजुटोरो ने इसे बताया होता है कि इसने ब्लैक ड्रैगन के लीडर को खत्म कर दिया होता है पैसों के लिए। इसके बाद टाकेमिची सोचता है क्या ये सच में ब्लैक ड्रैगन का लीडर बनेगा जैसा काजुटोरो ने बताया था, लेकिन ये बिल्कुल भी बुरा इंसान नहीं लगता, और फिलहाल के लिए टोमान का वाइस कैप्टन है। अगले 12 सालों में आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है। इसके बाद टाकेमिची बोलता है हक्काई तुम सेकंड डिवीजन के वाइस कैप्टन हो, तो क्या तुम कैप्टन मित्सुआ से मिल चुके हो। और हक्काई बोलता है कि मैं उसके साथ फंस चुका हूं, और साथ में हम दोनों की उम्र एक बराबर है, तो तुम्हें इतना ज्यादा नम्र होने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। इसके बाद टाकेमिची बोलता है कि एक ही उम्र के हैं लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं लगते, और हक्काई बोलता है कि ये तो बहुत बुरा था। तभी युजुआ बोलती है कि मित्सुआ इसके लिए एक बड़े भाई जैसा है। इसके बाद हक्काई बोलता है टाका एक परेशानी है, उसी ने मुझे सिखाया कि गुंडागर्दी कैसे कूल और अनकूल बन सकती है। तभी टाकेमिची सोचता है कि टाका, हाँ मित्सुआ का पहला नाम टाकाशी है। इसके बाद हक्काई बोलता है थोड़ा अजीब है ना, लेकिन वो सच में मेरा असली बड़ा भाई है। इसके बाद युजुआ बोलती है कि मित्सुआ से ये बहुत ज्यादा प्यार करता है, जरा इसके सेल फोन में देखो। और तभी हक्काई अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसके पॉकेट में नहीं होता, और हक्काई बोलता है कि तुमने कब इसे निकाला। इसके बाद हम देखते हैं उसके फोन के लॉक स्क्रीन में मित्सुआ का फोटो होता है, जिसको देखकर टाकेमिची हैरान होता है और बोलता है कि ये तो काफी अजीब है। इसके बाद ये अपना खुद का फोन दिखाती है और उसको देख के ये भी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर हक्काई की फोटो होती है। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि सच में ये दोनों काफी अच्छी जोड़ी बनेंगी, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं है। फ्यूचर में हक्काई ब्लैक ड्रैगन गैंग को लीड करने वाला है, और कीसा की टोमान के पुराने मेंबर को खत्म करने वाला है। फ्यूचर में मित्सुआ भी गायब हो जाता है, तो क्या वो काम ये कर सकता है। लेकिन इसके लॉक स्क्रीन के ऊपर मित्सुआ की फोटो थी, लगता नहीं है कि वो ये काम कर सकता है। शिवा हक्काई से मैं अभी अभी मिला हूँ, लेकिन ये वाला शिवा हक्काई और फ्यूचर के शिवा हक्काई पूरी तरह से अलग है। आखिरकार ऐसा क्या होने वाला है जो इसे पूरी तरह से बदल देगा, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन अगर मैं इसे रोक पाया तो फिर ब्लैक ड्रैगन खत्म हो जाएंगी और वो टोमान को कभी करप्टी नहीं कर पाएंगी। इसके बाद हक्काई बोलता है टाकेमिची मेरा घर थोड़े ही आगे है, और टाकेमिची ओके बोल के उसके साथ चलने लगता है। जब एक गली के अंदर पहुंचते हैं तब युजुआ बोलती है कि भाई बुरी खबर है, और हम देखते हैं कि इनके सामने एक गैंग होती है जिनके जैकेट के ऊपर एक ड्रैगन होता है और बीडी लिखा हुआ होता है, और युजुआ बोलती है कि हमारा भाई वापस आ रहा है। इसके बाद टाकेमिची इन बंदों को देखता है और सोचता है कि ये तो बहुत बुरी खबर है, और उनके जैकेट के ऊपर जो बीडी लिखा होता है उसको समझने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये बीडी का क्या मतलब है। टाकेमिची तुम सच में बेवकूफ हो। इसके बाद हक्काई बोलता है हानागाकी मुझे माफ करना लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तभी एक बंदा आता है और बोलता है वेल 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 ये तो अपना छोटा भाई है ना। और तभी हक्काई बोलता है कि कोको। टाकेमिची कोको को देखते ही समझ आता है कि ये फ्यूचर में एक्स ब्लैक ड्रैगन का मेंबर होने वाला है टोमान के अंदर। इसके बाद टाकेमिची को समझ में आता है कि बीजी का मतलब ब्लैक ड्रैगन होता है, और वो घबरा जाता है और हिना के सामने आ जाता है उसे बचाने के लिए। इसके बाद कोको बोलता है कि तुम सब कौन हो। तभी इनका एक मेंबर बोलता है कि मैंने इसे पहले देखा है,
ये हानागाकी है, टोक्यो मांजी का फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन। तभी ये गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि टोक्यो मांजी का मेंबर हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तुम हमसे पंगा लेना चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन के मेंबर आगे बढ़ने लगते हैं टाकेमिची की तरफ और टाकेमिची सोचता है कि अब तो मैं गया। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन के मेंबर बोलते हैं कि तुम हमारे इलाके से जिंदा वापस नहीं जा सकते, उम्मीद है कि तुमने प्रार्थना कर लिया होगा भगवान को। तब कोको बोलता है कि अच्छा तो तुम वही फेमस हानागाकी हो, तोमान के फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन, द गोल्डन बॉय जिसने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। ये पूरा इलाका ब्लैक ड्रैगन का है, हमारे बॉस ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगर किसी और गैंग का मेंबर को हम पकड़ते हैं इस इलाके में तो हम उसे खत्म कर देंगे। इसका मतलब तुम समझते हो हानागाकी, अब तुम मरने वाले हो। इसके बाद इसका पूरा नाम रिवील होता है जिसका नाम होता है हाजिमे कोकोनोई और ये ब्लैक ड्रैगन इलेट गार्ड का कैप्टन होता है। इसके बाद एक और बंदा दिखाया जाता है जो बोलता है कि जाओ उसे खत्म कर दो और ये होता है शेंशु इनोई जो कि कमांडो का कैप्टन होता है। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स यस सर बोलते हैं और सब आगे बढ़ने लगते हैं। तभी युजुआ बोलती है हीना यहां से चली जाओ, ये लड़कियों को भी नहीं बख्शते। इसके बाद हक्काई सामने आता है और बोलता है कि हट जाओ यहां से, टाकेमिची मेरा दोस्त है। और तभी कोको बोलता है बेवकूफ कहीं के, अगर ये तुम्हारा दोस्त भी है तो भी हमारी गैंग तुम्हारी बातें नहीं मानने वाली। इसके बाद ब्लैक ड्रैगन के मेंबर आपस में बात करने लगते हैं, क्या यही सच में हानागाकी है, जैसा सुना था ये बिल्कुल भी वैसा नहीं लगता, ये बिल्कुल भी ताकतवर नहीं लगता और ये कैप्टन कैसे बन गया, ये तो एकदम फुसकी बम है, मैं इसको खत्म करूंगा और सारा क्रेडिट ले लूंगा, इसको मारने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि शिट अब मैं क्या करूंगा, यहां पे हीना भी है। और तभी हक्काई बोलता है कि मैंने कहा ना मैं अपने दोस्तों के ऊपर हाथ लगाने भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें शांति से कह रहा हूँ निकल जाओ यहाँ से। तभी टाकेमिची सोचता है कि क्या ये ब्लैक ड्रैगन को जानता है। इसके बाद एक बंदा बोलता है हक्का क्या तुमने सुना नहीं, हम तुमसे ऑर्डर नहीं लेते, चलो इन सब की धुलाई करते हैं। तभी हक्का इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मार के उसको नीचे गिरा देता है और बोलता है कि निकल जाओ यहाँ से कूड़ेदान कहीं के, और सबके सब डर जाते हैं। इसके बाद हक्का खड़ा होता है और बोलता है टाकेमिची मुझे माफ करना, मैंने बेकार में ही तुम्हें इस सब में लपेट लिया, ब्लैक ड्रैगन का लीडर टाइजू शिवा है। और टाकेमिची बोलता है शिवा यानी कि, और तब युजुआ बोलती है कि हाँ ताइजो हमारा बड़ा भाई है, हम तीनों भाई बहन हैं। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि ब्लैक ड्रैगन का लीडर हक्काई का बड़ा भाई है यानी कि इसका मतलब, और तभी हक्काई बोलता है कि मेरा भाई कहाँ पे है। इसके बाद कोको बोलता है कि वो दुकान पे है और हक्काई बोलता है कि वो कभी भी घर पे नहीं आता, लेकिन अचानक से ये सच में एक बहुत बड़ी परेशानी है। तभी इनुई इसके गले पे चाकू लगाता है और बोलता है कि अपने जुबान पे लगाम दे गांडू कहीं के, हमारे बॉस के बारे में कुछ भी गलत बोलेगा मैं तेरे को मार दूंगा। हक्काई बोलता है तुम अपना काबू खो रहे हो, और इनुई बोलता है तुझे लगता है मैं तुझे नहीं मारूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं युजुआ हवा में फ्लाई करती है और इसके पीठ के पीछे आके एक जोरदार लात मार के इसको नॉकआउट कर देती है और बोलती है कि मेरे छोटे भाई से दूर रहो। इसके बाद कोको बोलता है जाने दो इनुपी, ये बॉस के भाई बहन है। और इनुई बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बॉस के लिए लॉयल हूँ, इन सब की बातें मैं क्यों मानूं, मैं इन्हें दिखाता हूँ कि मैं इंचार्ज हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, चाहे मेरे सामने लड़की ही क्यों ना हो मैं इन सबको खत्म कर दूंगा। इसके बाद टाकेमिची हीना के सामने आ जाता है और सोचता है कि ये सब के सब पगला चुके हैं, ये टोमान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हम एक और बंदे को देखते हैं जिसने रेड कलर का जैकेट पहना होता है, इसके पीठ के पीछे भी बीटी लिखा होता है, शायद यही लीडर है ब्लैक ड्रैगन का। इसके बाद युजुआ बोलती है हानागाकी इसके लिए माफ करना, ये हमारी प्रॉब्लम है, हम खुद इसे हैंडल कर लेंगे, तुम हीना को बचाओ और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद टाकेमिची सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, ये बंदे सच में बुरी खबर है, लेकिन क्या ये सच में अपने ही बॉस के भाई बहन को चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं हीना को यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैक ड्रैगन का लीडर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। तभी टाकेमिची बोलता है हीना चलो यहाँ से चलते हैं, वो हीना को लेके जा ही रहा होता है। तभी इनका लीडर आ जाता है बीच में और हीना बताने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ब्लैक ड्रैगन का लीडर टाकेमिची के गले के ऊपर वार करके उसको नीचे गिरा देता है और वो लमलोट हो जाता है। इसके बाद टाकेमिची खांसने लगता है क्योंकि उसके गले के ऊपर अटैक हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग इसके सामने सर झुकाते हैं और इसका नाम रिवील होता है शिवा ताइजू, यानी कि यही है ब्लैक ड्रैगन का लीडर। इसके बाद हीना बोलती है टाकेमिची क्या तुम ठीक हो, और टाकेमिची बोलता है हीना यहां से भाग जाओ। तभी ताइजू बोलता है कि ये तो गलत बात है, तुम सब अकेले मजे ले रहे थे मुझे छोड़ के, जरा थोड़ा मजा मुझे भी
लेने दो। इसके बाद टाइजो टाकेमिची का कलर पकड़ के उसको ऊपर उठाता है, उसके बाल नोचने लगता है और हंसने लगता है। इसके बाद ये एक जोरदार पंच मारता है टाकेमिची के ऊपर और उसको नॉक डाउन कर देता है। तभी हीना उसको बचाने के लिए आगे बढ़ने वाली होती है, लेकिन उसको रोक लेती है याजुहा। इसके बाद टाकेमिची सोचता है ये हक्काई का भाई है, ब्लैक ड्रैगन का 10वां बॉस, और ये चारों तरफ देखने लगता है और ब्लैक ड्रैगन के सारे मेंबर एकदम शांत होते हैं। और टाकेमिची सोचता है कि ये सब पहले बदमाशों की तरह बर्ताव कर रहे थे, लेकिन एकदम से शांत हो चुके हैं। और तभी टाइजो बोलता है कि कौन है ये बदतमीज, और कोको बोलता है कि आप इसको नहीं जानते और आपने इसको पंच मारा, आप सच में बिल्कुल आपकी तरह ही है। ये लड़का टोमान का फर्स्ट डिविजन का कैप्टन है, टाकेमिची हानागाकी। इसके बाद टाइजो बोलता है कि ये लड़का एक कैप्टन है, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे कोको। इसके बाद कोको बोलता है कि बॉस यही सच है और ये आपके भाई का दोस्त भी है। इसके बाद टाइजो हंसने लगता है और बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और इसके मुंह के ऊपर एक जोरदार लात मार के टाकेमिची को हवा में उड़ा देता है, जिसको देख के हीना अपना मुंह बंद कर लेती है। इसके बाद टाइजो हंसने लगता है और बोलता है हक्काई तुमने एक बाहरी इंसान को हमारे घर के अंदर लाया, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ब्लैक ड्रैगन को ज्वाइन करने के लिए, लेकिन तुमने मेरी बात कभी नहीं मानी। हक्काई इसे पीट पीट के मार दो, लेकिन हक्काई कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं देता। इसके बाद टाइजो हक्काई के सामने जाता है और बोलता है क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, मैंने कहा इसे खत्म कर दो। हक्काई काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, वो कुछ बोल नहीं पाता, और यहीं पे ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा, फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके टाकेमिची के लिए क्राई बेबी हीरो या फिर सिर्फ क्राई बेबी लिख सकते हो, और साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टर्न करके आवाज आ जानी चाहिए।